बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अयान मुर्ज़ा, मोटिवेशनल स्पीकर, फिटनेस कोच। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में लाइफस्टाइल इतना ख़राब है कि हर पाँच में से एक आदमी बीमार है, और हमने कभी गौर नहीं किया जो हम अपनी सेहत के साथ कर रहे हैं हमें इसको भुगतना भी है। हम वो हर बात को इग्नोर कर देते हैं जिससे हमारा फ़ायदा होगा, और हम उसके नतीजे का इंतज़ार करते हैं बीमारियों की शक्ल में। आज हमारा टॉपिक है ग्रीन टी। हमें क्यों पीनी चाहिए? अगर हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो खाने पीने पर हम थोड़ा सा गौर करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, वेट को लॉस कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीन टी को बनाना कैसे है और दिन भर में इसको कब कब और कितना पीना है। ग्रीन टी पत्ती और टी बैग दोनों में ही मिल जाती है। इन दोनों में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टी बनाने का सही तरीका ये है कि आपको एक से डेढ़ कप पानी उबाल लें, फिर एक कप में टी बैग डालकर ऊपर से उबला हुआ पानी डाल दें। एक से दो मिनट ही डीप करके रखें, क्योंकि ज़्यादा आप डीप करके रखेंगे तो ग्रीन टी आपकी कड़वी हो सकती है। इसके अंदर आपको शुगर या मिल्क बिल्कुल भी नहीं डालना। अब बात करते हैं कि ग्रीन टी आपको कब कब और कितनी पीनी है। याद रखें, आपको ग्रीन टी कभी भी खाली पेट नहीं पीनी। आपको ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले ग्रीन टी यूज़ करनी है। उसके बाद आप डिनर से पहले भी ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पीनी है तो एक बार और भी आप कभी भी किसी भी वक्त पी सकते हैं। ग्रीन टी के फ़ायदे और नुकसान पर बात करते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन ई सी भी पाए जाते हैं, जो कि हेयर फॉल को रोकते हैं, जिससे बाल घने और मजबूत रहते हैं। ग्रीन टी पीने से आप मुंह के कैंसर से बचे रहते हैं, आपके मुंह से बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ साथ मुंह से बदबू आना भी बंद हो जाती है। जो लोग रोज़ाना ग्रीन टी पीते हैं वो हार्ट अटैक से बचे रहते हैं, क्योंकि ग्रीन टी खून को पतला कर देती है, इसलिए बॉडी में खून जमता ही नहीं है, जो कि दिल के दौरे से बचने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ग्रीन टी स्पेशल शुगर के पेशेंट को पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है। रोज़ाना ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे तो आपके वज़न का बढ़ना या घटना सारा दिन खाए जाने वाली डाइट पर डिपेंड करता है। ग्रीन आपके वज़न को बढ़ने से 50% तक ग्रीन टी रोक कर रखती है, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ता है तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करता है। ग्रीन टी पीने से आप कैंसर जैसे मूजी मरज से भी काफ़ी हद तक सेव रहते हैं। ग्रीन टी पीने से आपकी स्किन खूबसूरत रहती है, आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ हद तक डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, तो ग्रीन टी को आप ज़रूर ट्राई करें। यह आपकी उम्मीद पर पूरा उतरेगी। सबसे ज़्यादा ग्रीन टी वेट लॉस के लिए ही फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। दुआ में याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।